In this video, we will discuss second scientific techniques of management given by F.W. Taylor, standardization and simplification of work. We can divide this technique in two parts. First is standardization and second is simplification. Standardization ki agar baat karein, to standardization means to set the standards for each and everything in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करना ही स्टैंडर्डाइजेशन होता है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड सेट करना है और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी एक्चुअल टास्क परफॉर्म करनी है। जैसे कि मैं प्रोडक्ट की बात करूँ कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक क्वालिटी प्रोडक्शन होना चाहिए, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्निक होनी चाहिए। जो हम एक मैन पावर से यानी कि एक वर्कर से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है विद इन ए डे वो कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। और टेलर ने मेनली फोकस इसी चीज़ पे किया कि हमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सिर्फ गुड्स का नहीं करना है, सिर्फ गुड्स की क्वालिटी की बात नहीं करेंगे हम स्टैंडर्डाइजेशन में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ टूल्स। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अगर हम एक स्टैंडर्ड आउटपुट करना चाहते हैं यानी कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जो हमारे टूल्स हैं उनका प्रॉपर वे में सही तरीके से सिलेक्शन करना होगा। जो इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो आज की टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी चाहिए। और हम अपने आउटपुट को मैक्सिमम तभी कर सकते हैं जब हर एक चीज़, चाहे वो मटेरियल रिसोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वालिटी का हम यूज करेंगे। तो हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करना है। अब इस प्रिंसिपल के, इस टेक्निक के जो ऑब्जेक्टिव है मेन, टू मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना कि जो प्रोडक्शन हो वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, टू सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीन। मशीन्स यानी कि मटेरियल रिसोर्स, मैन मीन्स ह्यूमन रिसोर्स, इन दोनों ही तरह के रिसोर्सेज का एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है फिक्स करना कि एक मैन पावर जो है आपकी या एक वर्कर जो है उसका एक दिन का जो टास्क है, टारगेट टास्क है, वो क्या होगा, एक मशीन की कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन करने की। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप्स। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट, जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या मार्केट में जो आप सेल कर रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में, डिफरेंट डिफरेंट साइज में अगर सेल कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा प्रोडक्ट के टाइप होंगे या वेराइटीज होंगी, आपको उसे मैनेज करने में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर एक टाइप या हर एक वेराइटी के लिए आपको अलग से स्टॉक मेंटेन करना होगा, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो ज़्यादा होगी। तो टेलर ने इस टेक्निक में क्या बताया कि हमें जो अननेसेसरी टाइप्स हैं प्रोडक्ट के, उनको कम कर देना है। इस टेक्निक को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक शू कंपनी का एग्जाम्पल लें, आप सभी लोग मार्केट में शूज खरीदने के लिए जाते हैं। आप जब भी मार्केट में शूज खरीदने के लिए जाते हैं तो जो साइजेज मार्केट में अवेलेबल होते हैं शूज के, वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि एक शू कंपनी जो है एक माइनर डिफरेंस पे अपने साइज में चेंज करे? मींस जैसे कि 4 के बाद 4.5 नंबर का शूज कभी आपने मार्केट में नहीं देखा, या 5 के बाद 5.5, 5.75 का कोई शूज नहीं देखा। यानी कि 4 के बाद उन्होंने नेक्स्ट नंबर क्या लिया, 5, या 5 के बाद क्या लिया, 6। अगर हम अननेसेसरी साइजेज बना दें तो उससे क्या होगा कि आपको उस स्टॉक को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको उतना ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उतना ही ज़्यादा पैसा जो है आपको मार्केट में कस्टमर्स पे लगाना होगा, क्योंकि आप क्रेडिट में भी गुड सेल करेंगे। तो एक तरह से आपका जो पैसा है वो अननेसेसरी ब्लॉकेज हो जाएगा,
आप उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो मेनली इस टेक्निक का फोकस क्या था कि जो अननेसेसरी प्रोडक्ट के साइजेज हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको ख़त्म करना है, और जो नेसेसरी साइज हैं उन्हीं पर हमें काम करना है ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्शन कर पाएँ, और अपने जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हो रहा था अननेसेसरी एक्टिविटीज में उसको हम रिकवर कर पाएँ।